सड़क के गेट जब खुलेंगे तो वही बच्चे उसमें प्रवेश करेंगे जो सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई के बगैर तो राजाई मिलती नहीं है। अब वो चाहे प्रजा वर्ग के हो, चाहे राजघराने के हो, इसलिए कहा जाता है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध ही स्वर्ग के गेट खोलेगा। रूहानी यात्रा और मक्का की यात्रा। मक्का की यात्रा मुसलमान लोग करते हैं, मक्का की यात्रा मदीना की यात्रा। उनको तो रूह का पता ही नहीं है, तो उनकी यात्रा को रूहानी यात्रा कैसे कहेंगे? रूहानी यात्रा तो तभी हो जा सकती है जबकि पहले रूह को पहचाने और रूहानी बाप को पहचाने। रूह को पहचानने वाले वो ही होंगे जो रूह बने होंगे। रूह बने ही नहीं होंगे तो रूह को पहचानेंगे भी नहीं। बाप आते हैं, रूहानी बाप, तो कितनों को रूहानी स्टेज में टिकने के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं? सब पढ़ते हैं क्या? पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन रूहानी स्टेज में टिकने वाले कितने निकलते हैं? सिर्फ 4.5 लाख निकलते हैं, बाकी जो जन्म लेने वाले हैं वो भी देहभान में आ जाते हैं, शरीर छोड़ना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में आना पड़ता है। तो मुसलमानों की यात्रा में और भारतवासियों की यात्रा में फर्क तो जरूर है। क्या फर्क है? लेकिन है दोनों ही एक प्रकार की यात्रा, देवान की यात्रा है। असली यात्रा तो बाप सिखाते हैं, उनकी है जिस्मानी यात्रा है, चाहे हिंदुओं का तीर्थों में जाना हो, चाहे मुसलमानों का मक्का मदीना में जाना हो, वो जिस्म को ले जाते हैं और हम रूह समझ करके रूह को ले जाते हैं। प्रोग्राम है बाबा, थिएटर नंबर
अरे दुनियावी बातों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? दुनिया में ढेर सारी बातें होती हैं। भाई अपन को सरेंडर समझे और सरेंडर होकर के चले, क्योंकि कन्याओं माताओं को शरण लेने की दरकार है आज की दुनिया में। उनका तन कोमल होता है, पुरुषों को शरण लेने की कोई दरकार नहीं। इसलिए पुरुष चाहे तो सेवा में अपने को अर्पण कर सकते हैं, मना नहीं है। बाकी पुरुष ये चाहे कि हम सरेंडर होकर के रहेंगे तो बहनों माताओं की परवरिश कैसे होगी? मुरली में तो बोला है कन्याओं माताओं को पेट के लिए माथा नहीं मारना है, पुरुषों को माथा मारना है। बाहर की दुनिया के संसर्ग संपर्क में रह करके पुरुषों का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, माताओं कन्याओं का तो बिगड़ता है। इसलिए उनको शेल्टर मिलता है। भाइयों को शेल्टर लेने की दरकार नहीं है। भाई लोग अगर ये चाहें कि हम शेल्टर में रहेंगे तो फिर वो राजा क्या बनेंगे? जो अपनी जिम्मेवारी अपने आप नहीं उठा सकते हैं तो राजा बनने वाली बात तो खत्म हो जाती है। कन्या माताओं के लिए बोला है नारी से क्या बनना है? नारी से नारायण बनना है ये नहीं बोला? क्या बोला है? नारी से लक्ष्मी बनना है। लक्ष्मी फिर भी किसके अधीन होती है? नारायण के अधीन होती है। बाबा ये तो संगम की बात है। संगम की ही बात है, संगम में ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीता पाठशाला में भाई लोग जाते नहीं है? जाते हैं। जिनको गीता पाठशाला में क्लास करना होता है गीता पाठशाला में जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं तो मिनी मधुबन में क्लास करने जाते हैं। कहीं न कहीं क्लास तो करते हैं, तो न मिनी मधुबन रहेंगे न गीता पाठशाला रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? है? कोई तो बुद्धि को ठिकाना मिला होगा ना। रंग काल आवेगा, एक ही ट्रेन जाएगी। जो आज में हुआ तो अंत में भी होगा। और परिवार में एक नया से निकल के आया, वो पूरा परिवार आज नहीं तो कल जरूर ध्यान में आ जाएगा। बाप को जानेगा मानेगा, फिर पक्का बिजली की आत्मा बनेगा या ना बनेगा। परिवार बोले तो किसको कहेंगे बाबा? खुद की रिश्तेदार या अपना लौकिक दुनिया में कुछ काम करने की जगह पे अपन से गहरा से कोई है, अपन से बहुत बुजुर्ग रहता है, अपन को मानते ही जानते हैं, अपन को बहुत रिश्तेदार बोल के समझते हैं, आपकी परिवार जैसे समझते हैं, वो भी परिवार बनेगा या न बनेगा? सिर्फ खुद की रिश्तेदारी परिवार कहेंगी या उनको भी परिवार कहेंगी? परिवार कहा जाता है खून के कनेक्शन को। एक परिवार में 8 भाई हैं, चाचा हैं, माँ बाप हैं, तो वो सब परिवार है। इसलिए परिवार के जो भी बाकी हैं वो सब ज्ञान में चलेंगे। क्यों चलेंगे? इसलिए चलेंगे कि एडवांस ज्ञान जो भी हम सुनते हैं
परिवार के लोग भी सुनते हैं, भले स्वीकार नहीं करते। सुनते हुए भी वो हमको स्वीकार करते हैं, परिवार से हमको धक्का देके निकाल नहीं देते। और दूसरे धर्म की आत्माएं जो तथाकथित ब्राह्मणों में भरी पड़ी है, वो क्या करते हैं? वो हमको धक्का दे करके निकाल देते हैं, हमको बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते। इसलिए वो आवेंगे परिवार के लोग, जब आवाज निकलेगा तो उनको आकर्षण हो जाएगा और वो नहीं आवेंगे। उन्होंने सुना तो है सब कुछ, अभी सुन रहे हैं कि नहीं? इतना अपोजिशन नहीं कर रहे हैं कि तुमको निकाल के घर से बाहर कर दें? अपने दिल में फिर भी तो जगह दी है ना, तो इसका अधूरा उनको ये मिलेगा कि भले राज परिवार में नहीं आवेंगे, क्योंकि राजयोग नहीं सीखा है, प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन प्रजा वर्ग में जरूर आ जाएंगे। और प्रजा तो ढेर के ढेर बनती है, तो अपना परिवार भी जरूर ये सारा विश्व के बीज रूपी का देश में जरूर आ जाएगा, मगर इतना नहीं बोल सकते अपन दोनों भी राज परिवार में आते हुए। राज परिवार में तो वो ही आवेंगे जिन्होंने राजयोग की प्रैक्टिस की है, जिन्होंने सिर्फ संदेश लिया है, पढ़ाई नहीं पढ़ी है। परिवार को बात खड़क है बाबा, अपना लव क्रिया में काम करने का जगह पे, कुछ रहने का जगह पे अपन से गहराई से पहुंच गया, कोई अपन प्रोजेक्ट करने में ज्यादा समय अपना ऊपर लगन लगाया, बोले उनका हाल क्या है, बोले उनका पास कैसा होगा, बोले ग्रेटर जन्मों का हिसाब से अपना छुट्टी का टाइम में आपस से मिलके फिर अपना बात मानते हुए भी बाबा का ज्ञान भी सुनते मगर उतना गहराई से नहीं पहुंचते, फिर उन लोगों का हाल क्या है? वो लोग भी जरूर अपना साथ भी लेते हुए भी वो लोग भी ज्ञान स्वीकार करके अपना बात मान रहे हैं, उन लोग को ज्ञान देगा अपना बाबा को भी स्वीकार करे, मगर ज्ञान में नहीं आ रहे बोले तो वो लोग भी जरूर आ जाएगा या ना आ जाएगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्राप्ति करेंगे। उन्होंने सिर्फ सुना लेकिन अपोजिशन करते रहे, तो फिर उच्च पद कैसे पा जाएंगे? हाँ, अंत में जब आवाज निकलेगी तो उनका नाक नीचे झुक जाएगा कि ये तो सच्चे निकले। इसलिए हो सकता है कि उनमें से भी बहुत आ जावे। तो संदेश देने में कोई हर्जा नहीं, कोई भी हो संदेश तो देते ही रहना चाहिए। सिर्फ संदेश मात्र देने से प्रजा बनती है, और प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती है। राज परिवार में आने वाले बहुत थोड़े होंगे और प्रजा वर्ग में आने वाले ढेर के ढेर होंगे। शुरू होता है धर्म का बिजनेस, धर्म का अपना अपना धर्म में चले जाना, अपना अपना धारणा को फॉलो करना, अपना अपना राजा ही चला लेना, अपना ही बात मान लेना बोल के, ऐसा नव धर्म वाला ऐसा होता है तरह का समय वो बीज बैठ जा रहा है हिंदू धर्म वाला, फिर इस तरफ इसका धर्म वाला ऐसा बौद्ध धर्म वाला ऐसा नव धर्म वाला बीज रहता है अपना। अभी सामाजिक भी श्री कृष्ण है रुद्र वाला आत्मा उनसे ही होता है, फिर वो लोग एक एक धर्म को समान रूप से अपन डिवाइड करना चाहिए या बड़ा या छोटा बीज ऐसा, बोले तो ज्यादा हिस्सा बीज या छोटा हिस्सा का बीज बोल के ऐसा डिवाइड करना चाहिए, बोले तो नव धर्म को अपन जो 25,000 का बीज पड़ा हुआ है रुद्रमाला के अंदर, फिर एक एक धर्म को अपन डिवाइड करेंगे तो एक एक धर्म को 25,000 का बीज होना चाहिए, ऐसा उस हिसाब से बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, समझा किसी ने? बाबा अगर उनको समान हिस्सा देना है, है?
हर धर्म समानता में कैसे आ सकता है? क्रिश्चियन धर्म की फॉलोअर्स सबसे जास्ती होते हैं और सिख धर्म के फॉलोअर्स बहुत थोड़े होते हैं, तो समानता कैसे हो सकती है फॉलोअर्स की? जो जमल आत्मा का बीज जो होता है पूरे धर्म वाला का बीज है, सब धर्म का नौ धर्म का बीज है ना, तो फिर समानता होना चाहिए संगमित में, हर एक धर्म का बीज एक धर्म वाला बीज कम दो हजार रहना चाहिए और इस्लाम धर्म का बीज आपस में 10,000 रहना चाहिए, ऐसा अलग अलग नहीं है ना? दुनिया में मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा हो गई और सिखों की संख्या कम रह गई, कारण क्या हुआ? नहीं, सिखों में एक नारी सदा ब्रह्मचारी, विचार ज्यादा नहीं पनपा इसलिए उनकी जनसंख्या कम हो गई, और मुसलमानों में क्रिश्चियंस में विचार जाति पनपता है इसलिए विकारों में नयापन होने के कारण जनसंख्या जाति बढ़ जाती है। तो जैसे वहाँ होता है वैसे यहाँ भी होता है। फिक्स नहीं किया जा सकता। मर गई दुनिया। 76 में विनाश की घोषणा की तो क्या मर गई दुनिया? ये तो अंदर से समझने की बात है कि हमने जिस दुनिया को समझ लिया कि ये ईश्वरीय रास्ते पर चलने वाली नहीं है, उनसे हमारा कनेक्शन कट हो गया। बुद्धि का योग नष्ट हो गया, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा लेना देना उनसे है जो बाप के बच्चे बनते हैं, बाप को पहचानते हैं। तो यहीं से ही विनाश की शुरुआत हो जाती है। दुनिया का हर काम संकल्पों से शुरू होता है, स्थापना भी संकल्पों से होती है और तो विनाश भी संकल्पों से ही होता है। हर चीज पहले सूक्ष्म रूप धारण करती है, बाद में स्थूल रूप धारण करती है। माता गुरु बनने के बिना कोई गुजरने वाला नहीं है बोले बाबा। फिर वो शंकर जी भी एक पुरुष है, उसका बुद्धि को परिवर्तन करने के लिए सबसे बड़ा माता कौन है? उसको सिखाने के लिए, सुधारने के लिए, परिवर्तन कराने के लिए। लक्ष्मी कौन बनती है? तो जो भारत माता लक्ष्मी बनती है, सच्ची गीता बनती है, तो गुरु भी बनती है। अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा गुरु होगा तो प्राप्ति अच्छी कराएगा या नीची प्राप्ति कराएगा? अच्छी प्राप्ति कराएगा। महाकाली बुद्धि के पेट को नहीं दबा दिया, छाती के ऊपर पांव रख दिया, माने बेइज्जती कर दी, पेट को नहीं दबाया। बोले तो उस समय परिवर्तन नहीं हुआ महाकाली का वजह है, महाकाली से कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ लक्ष्मी से ही परिवर्तन हुआ। परिवर्तन शक्ति ही परिवर्तन करेगी ना। एडवांस पार्टी में 3 प्रकार की ग्रुप है, एक प्लानिंग पार्टी, एक इंस्पिरेटिंग पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल पार्टी ही परिवर्तन करेगी और प्रैक्टिकल होता ही है प्योरिटी से।
जितनी प्योरिटी होगी प्रैक्टिकल ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि प्योरिटी से यूनिटी ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसलिए बोला शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है और पीछे पीछे सारा ही झुंड चला जाता है। और जो विद्रूप वाली दुनिया है वो प्रजा किसकी है? सेकेंड थर्ड फोर्थ की प्रजा है या फर्स्ट क्लास जो डायनेस्टी है उसकी प्रजा है? जो फर्स्ट क्लास डायनेस्टी है सूर्यवंशियों की डायनेस्टी, उस डायनेस्टी के जो प्रजा बनने वाले होंगे वो औरों की प्रजा बनना स्वीकार करेंगे? जो शेरों के कुल के हो, शेरों के कुल का एक छोटा सा बच्चा हो, वो गधेड़ों के कुल का राजा बनना पसंद करेगा? ठीक, बात खत्म हो जाती है। पहले जन्म की जो प्रजा होती है उसकी भी विशेष विशेषता है, जो विशेषता और धर्म और डायनेस्टी की प्रजा में नहीं है, वो सब ज्ञानी तू आत्मा है। सूर्य के बच्चे सब सूर्य समान है, रोशनी फैलाने वाले हैं। इसलिए गायन है, जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो 9 लाख सितारे दुनिया में रोशनी फैलाएंगे। स्कूल में परम धाम माने शरीर भी रहे और परम धाम स्टेज भी बनी रहे। शरीर रहते रहते स्टेज कैसी हो मन बुद्धि की? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। देह का कोई अहंकार नहीं, देह की कर्मेंद्रियों में कोई विकार न भासे, कर्मेंद्रिया शीतल अनुभव हो, वो ही परम धाम की स्टेज। सात्विकता और अहिंसा तो एक ही बात है। सात्विकता होगी तब ही अहिंसा होगी। तामसी तत्व तो जितना जास्ती होगा उतनी हिंसा जरूर होगी। और ये चूहे और मच्छरों को मारना है, और जो भी एक है बड़ा पाप और एक है छोटा पाप, एक है बड़ा पुण्य और एक है छोटा पुण्य। जो मच्छर मक्खी है कीटाणु है उनमें, उन आत्माओं में ज्ञान को समझने की शक्ति है? नहीं है। और मनुष्य में ज्ञान को समझने की शक्ति है? तो एक मनुष्य को बचा लिया उसमें भी आत्मा है, और एक मच्छर को बचा लिया, दोनों का पुण्य बराबर बनेगा क्या? नहीं। इसलिए मनुष्य जाति को बचाने के लिए, क्योंकि वो परमात्मा बाप के जाति नजदीक है, मनुष्य आत्मा है परमात्मा की ज्यादा नजदीक है या कीट पशु पक्षी पतंगे और कीड़े मकोड़े जाति नजदीक है? मनुष्य जाति नजदीक है। तो मनुष्यों को बचाने के लिए
अगर कीट पशु पक्षी पतंगों को मारना भी पड़े तो भी पुण्य ज्यादा बनेगा या पाप ज्यादा बनेगा? पुण्य बनेगा। भावना की बात है। भावना क्या? ये भी तो भावना है कि भगवान के जो जास्ती नजदीक है, जो भगवान को जास्ती पहचान सकते हैं वो ज्यादा कल्याण करेंगे, या जो बहुत दूर है बुद्धि योग से वो जास्ती संसार का कल्याण करेंगे? ज्यादा वैल्यूबल कौन है? जो जास्ती वैल्यूबल है उसकी पहले रक्षा करनी पड़े। और सारा दुनिया खत्म होने के बाद शरीर का छोड़ना पड़ रही है, शरीर में पुरानी दुनिया खत्म होने के बाद क्या पूछ रहे शरीर के साथ कैसे जाएंगे? शरीर सतयुग में ऐसे नहीं जाएंगे जैसे हम समझते हैं, लेकिन जब सारी दुनिया में गर्मी बढ़ने से, एटमिक एनर्जी का विस्फोट होने से मूसलाधार बरसात होगी कई दिनों तक, तो बर्फीला वातावरण तो बन जाएगा। उस बर्फीले वातावरण में जो व्यक्ति याद की यात्रा में गहरे होकर के शरीर छोड़ेंगे, शरीर अलग हो जाएगा और आत्मा अलग हो जाएगी, उनके शरीर सुरक्षित रह जाएंगे। बाकी नंबर बार परमधाम से आत्माएं आती जाएंगी और उन शरीरों में प्रवेश करती जाएगी। नेचुरल वो बर्फ ऑटोमेटिक हटेगी और उन शरीरों में आत्मा प्रवेश करेगी। शास्त्रों में, मंदिरों में या जहाँ भी जो यादगारें बनी हुई है वो संपूर्ण रूप की यादगारें हैं या अधूरे रूप की यादगारें हैं? है? हाँ, आटे में नमक मिसल सच्चाई है, लेकिन जो भी सच्चाई है वो कहाँ उठाई गई है? संगम में भी किस समय से उठाई गई है? शास्त्र जो है वो परिपक्व स्टेज में जब बनते हैं द्वापर के आदि में, तो संपूर्ण स्टेज के शास्त्र हैं या अपूर्ण स्टेज के हैं? अपूर्ण स्टेज के। संपन्न स्टेज जब बनी है तब चित्र भी बने हैं, मूर्तियां बनी हैं और शास्त्र भी बने हैं। शुरुआत में शास्त्रों में भी सच्चाई थी, बाद में उनके इंटरप्रिटेशन होते होते बात बदल गई। ओल्ड इज गोल्ड। बाबा तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था
ज्ञान नहीं था उस समय, ज्ञान क्या क्लियर था? आत्मा और परमात्मा का जो मूल परिचय है, बेसिक परिचय है, वो उस समय था क्या? लिंग को याद करते थे, लाल लाइट के गोले को याद करते थे, तो ज्ञान तो अधूरा ही था ना। और ये नहीं कहना चाहिए कि आज में इतना ज्ञान नहीं था। अरे ये तो मुरली में बोला है, मुरली की बात को हम ये कह सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो चीज नहीं मिली है तो इसका मतलब यही है कि ये हो सकता है कि वो चीज है ही नहीं। हाँ, अभी नहीं मिली, आगे चल के मिल जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। अगर वो आत्मा ऐसी मृत्यु अनुभव न करे तो दुनिया की और दूसरी आत्मा कैसे अनुभव कर लेंगी? उस बीज में सब कुछ समाया हुआ है, अच्छे से अच्छा भी समाया हुआ है और बुरे से बुरा भी समाया हुआ है। और कराची में तो बाद में पहुंचे हैं सारा संगठन। जब कराची पहुंचे हैं तब मुरली निकलना शुरू हुई। उससे पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे। उसके पहले सिंध हैदराबाद में ही संगठन था, उसका नाम था ओम मंडली। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नामकरण और सूत्रपात 1947 के बाद हुआ है। तब विचार बनाया कि यहाँ से ट्रांसफर करके इंडिया में ले जाए। इंडिया में ही ब्रह्मा की मान्यता है, पाकिस्तान में ब्रह्मा को कोई मानने वाला नहीं है। बाबा मुरली में ऐसा वाणी करना जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है उसका कोई हत्या नहीं कर सकता है। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है उसका कोई हत्या नहीं कर सकता है। हत्या नहीं कर सकता, हत्या श्रेष्ठ आत्माएं कलयुग में होती है। ये कलयुग में सब भ्रष्टात्माएं होती है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। हाँ, ये कहेंगे कि हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी का मतलब ये नहीं है कि हर जन्म में वो सत्व प्रधान पार्टी बजाएगा। हाँ, जब सच्ची तमो प्रधान बनती है तो तमो प्रधान में भी वो अति तमो प्रधान बन सकता है। जब सच्ची रजो प्रधान बनती है तो रजो प्रधान वालों के बीच में वो सबसे जाती रजो प्रधान भी पार्ट बजाता है। बनती यूं है कि शुरुआत भी उसी से होती है। जो पहला ब्रह्म तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र। और उनका कोई बात हुई। जब राजाएं बने हैं पूर्व जन्म में और वो राजाएं कोई श्रीमत के आधार पर तो बने नहीं है द्वापर कलयुग में। आखिरी तो मनुष्य मत और मनमत के आधार पर राजाएं बने ना। तो पाप कर्म तो करते थे ना राजा ने, अहंकार में आकर के। तो उनके हिसाब किताब किसी के साथ ऐसे नहीं बन सकते।
राजाएं तो कितनी हत्याएं करा देते थे। मानो ब्रह्मा बाबा विरोधी खेमे में नहीं थे, ब्रह्मा बाबा और बड़ी माँ जो महाकाली का पार्ट बजाने वाली है वो विरोधी खेमे में नहीं थी। बाबा उसका तो क्रूस है ना विरोधी के, हैं विरोधी के विरोधी से उसका क्रूस क्यों? सन 42 में शरीर छोड़ने के बाद यज्ञ की संचालन किसके हाथ में रही? यज्ञ किसकी रहबरी में पलता रहा? और धर्म की जो भी आत्मा यज्ञ के अंदर बची वो किसकी रहबरी में पली? जिनकी रहबरी में पली वो सब विरोधी ही तो थे। जो राम संप्रदाय थे वो आज नहीं चले गए? ब्रह्मा बाबा में सहनशीलता नहीं थी और राम वाली आत्मा में सामना करने की शक्ति नहीं होती, ये तो शिव प्रवेश करता है और शिव प्रवेश करके उनसे कराता है। अगर उनमें इतनी सहनशीलता होती तो 63 जन्मों में ही ऐसी सहनशीलता का पार्ट बजा दिया होता और संगठन खड़ा कर लिया होता। बाली की हत्या की थी, उसका तो अन्याय ही था। जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से ढाएगा वो ही बाली को मार पाएगा। तो राम को देखने के बाद राम कितनी दिन हो जाएगा बाबा? हाँ, उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जो उसका सामना करेगा तो उसकी आधी शक्ति छीण हो जाएगी। तो फिर बेवकूफ भी है कि सामना करने करके उसे मारना। राम तो भगवान थे। वो भगवान थे, राम भगवान थे, उसमें प्रवेश करने वाला शिव भगवान था। प्रवेश करने वाले का पाप पुण्य बनता है या शरीरदारी का पाप पुण्य बनता है? भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो भूत प्रेतों का पाप पुण्य बनता है या जिसके शरीर से पाप पुण्य कराते हैं उनका बनता है? शरीरधारी का बनता है। बाबा सभाओं में बाप दादा का पर्सनल मुलाकात बच्चों से मतलब क्या है बाबा? बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात कर लेते हैं, माने एक एक का पोता मिल तो बाप के पास है ना। तो बाप किसी के पोता मिल के आधार पर कोई बात ऐसी गुप्त कह देता है जो उसी बात को उसी व्यक्ति को पहचान में आती है, समझ में आती है, और दूसरों को समझ में ही नहीं आती, तो पब्लिक के बीच में पर्सनल मुलाकात हो गई। गांधी का मीनिंग है
गांधी का हस्त क्या है, गाड़से का हस्त क्या है? गंध सबसे निकलता है गांधी क्या, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे महात्मा गांधी हो, और वो है गार्ड से। जो नाथूराम गार्ड से था वो ज्यादा पावरफुल साबित हो गया, नहीं तो कमजोर आत्मा पावरफुल आत्मा की हत्या नहीं कर सकती। यदि धारण करके अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि बाबा जो प्रवेश करते हैं वो दूसरे शरीर से प्रवेश करते हैं ताजा देते हैं, जो आत्मा प्रवेश करती है, जो औलिया लोग होते हैं प्रवेश करने वाली आत्माओं को बांध लेते हैं, उनको शरीर से बाहर नहीं निकलने देते और फिर उनकी प्रताड़ना करते हैं, तो शरीर में रह करके उनको एहसास कराते हैं ना। ऐसे ही धर्मराज की सजाएं भी ऐसी ही है कि बल कोई को सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है, जब चाहे बाहर आ जाए जब चाहे प्रवेश करे, लेकिन जब सजाएं मिलेंगी तो उस आत्मा को भी महसूस होगा, शरीर के द्वारा ही सजाएं महसूस आएगी। आत्मा तो आत्मा तो सतु प्रधान थी, जो सतु प्रधान आत्मा है उसको सजा नहीं मिलती, यहाँ तो तमो प्रधान आत्माओं की सजा की बात है। क्राइस्ट का तो पहला जन्म था और अभी जो आत्माएं सजा होंगी उनके तो अंतिम जन्म है, तामसी आत्माएं हैं। धर्मराज ज्ञान सुनाता है क्या? नहीं, हाँ तो धर्मराज मेरे साथ है ना, धर्मराज भी साथ में जाता है और मैं भी जाता हूँ। पहले तो धर्मराज है कौन, कौन है? ब्रह्मा बाबा। बाप तो प्यार का सागर है, वो तो कभी किसी को दंड बंद देता ही नहीं है। धर्मराज मेरे साथ है, वो हड्डी हड्डी तोड़ दे देंगे। तो जो धर्मराज साथ में है वो आत्मा ही अलग है और वो अकेली नहीं है। जैसे इतना बड़ा राज्य चलता है तो उसमें अकेला कोई जज नहीं होता है, और भी असिस्टेंट होते हैं नंबर वार। तो ऐसे ही वो ब्रह्मा की सोल जिस महाकाली में प्रवेश करके पार्ट बजाती है तो वो भी महाकाल का साकार रूप है। कोई भाषा नहीं होगी ऐसा नहीं बोला, भाषा बहुत हल्की होती है सब बोलते हैं, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी लेकिन इशारे की भाषा जाती होगी और बोलना बहुत कम होगा। जिसका दिल से दिल मिलता है वो दिल की बात इधर आती है और दूसरे को दिल में पता लग जाती है, वो कैसे होता है? तो वहां तो संस्कार ही मिले हुए होंगे सबके एक दूसरे से, कोई के संस्कार कोई से टकराएंगे ही नहीं, तो संकल्प भी कोई के दूसरे से टकराएंगे ही नहीं।
है 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 जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो तो धोबी घाट की बात को जहाँ पहचानेंगे है वो तो नहीं पहचानेंगी तो विरोध ही करेंगी ना है उसका मतलब ये है कि वाइब्रेशन बनाना करना अभी संगम युग में होगा। हर आत्मा भगवान का ज्ञान लेकर के जाएगी। सबकी सदगति करने वाला एक है या दो चार हैं? एक ही है। तो नंबर बार सब ज्ञान उठा देंगे, एक जैसा उठा देंगे, नंबर बार उठा देंगे। तो कोई तो उनमें ऐसा ज्ञान उठाने वाले हैं जो एकदम सतो प्रधान फर्स्ट क्लास ज्ञान उठा देंगे। पुरुषार्थ भी एकदम सतो प्रधान करेंगे। उस पुरुषार्थ का रिजल्ट ये होगा कि वो अपने वाइब्रेशन ही ऐसे बना लेंगे कि दुनिया में चाहे जितना भी दुख बर्पा होता रहे, विनाश बर्पा होता रहे, लेकिन उनकी सात्विक स्थिति बन गई। उनके ऊपर प्रकृति का भी कोई प्रकोप नहीं होगा, बीमारियों को कोई प्रकोप नहीं होगा और मानवीय आपदाओं का भी कोई प्रकोप नहीं होगा। उनके वाइब्रेशन ही ऐसे होंगे कि उनके पास दुख आवेगा ही नहीं और आवेगा तो भासेगा नहीं। तो अंत मते सुगते हो जाएगी। ऐसे ही उनके मुकाबले वो आत्माएं हैं जो हाय हाय और दया तोबा करके शरीर छोड़ेंगे। वाइब्रेशन बहुत गंदे होंगे। ऐसे ही टाइम पर आकर के उनको फिर जरूर मिलेगी। अभी अभी टाइम है अपने को कन्वर्ट करने का, अपनी आत्मा को सात्विक, चाहे जैसा वातावरण हो, चाहे जैसे संगी साथी हो, दुख देने वाले हो, परेशान करने वाले हो, लेकिन अपनी आत्मा को जिसने अभी सात्विक बना लिया वो ही राजयोग सीखने वाला सच्चा पुरुषार्थी है। विनाश के बर्पा के टाइम में आत्मी के स्थिति में जो शिविर छोड़ता है उसी टाइम में आप परम नाम से आत्मा आती है जाती है ना, वो आती है जाती है प्रवेश करती है ना आत्मा। हाँ, शिविर छोड़ने के बाद आत्मा अलग हो विनाश के टाइम पर प्रवेश नहीं करेंगी। नहीं, बर्पा में जो शरीर छोड़ दिया आत्मी के स्थिति में, आत्मी की स्थिति में जो शरीर छोड़ेंगे वो सूक्ष्म बतन में इकट्ठे होते रहेंगे। बर्फ में पड़ा हुआ तो बर्फ में पड़े हुए हैं वो पड़े हैं, लेकिन उनकी आत्माएं तब तक सूक्ष्म बतन में इकट्ठी रहेंगी जब तक 500 करोड़ की दुनिया का विनाश न हो जाए। उस आत्मा में तो शरीर में कौन सा आत्मा प्रवेश हो है? ऊपर से आने वाला है जाने वाला है उस आत्मा में प्रवेश होते बर्फ के अंदर थोड़ी प्रवेश होता है। तो हिसाब बना हुआ है जिनके शरीर सुरक्षित होंगे उनमें ही आत्मा का प्रवेश होगा, जिनके शरीर सुरक्षित होंगे ही नहीं उनमें प्रवेश क्यों होगा? वो आत्मा को कैसे पता है कि वो ही शरीर उसका है? अरे 500 करोड़ आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, उनमें संसार भरा हुआ है ऑटोमेटिक। अपने टाइम जैसे बीज है 12 महीने होते हैं, वो बीज अपने टाइम पर ही उगता है। वो बीज अपने टाइम पर ही क्यों उगता है? जब समय की सुई घूमती है वैसा मौसम आता है तभी उस आत्मा को उतरना है। उसमें संसार भरा हुआ है। ऐसे थोड़े कि परमधाम में बैठ करके सोचते हैं कि मैं जाऊं
या शिव बाबा वहाँ सोचता है कि मैं जाऊं? नहीं, शिव बाबा में अपने ज्ञान सुनाने के जो संस्कार भरे हुए हैं अपने टाइम पर, वो स्वतः ही आता है। ड्रामा में बंधा हुआ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे ही 500 करोड़ आत्माएं भी ड्रामा के बंधन में बांधी हुई है। हाँ जी, उनको ये पता नहीं है राम वाली आत्मा को कि जब विष्णु रूप बनेंगे तो चारों आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। उनको नहीं मालूम है क्या? हाँ, तो इकट्ठी होकर के याद कर दो। भले उसको भी आप समान बनाना है कि नहीं? जब माँ और बाप, माँ जब जानती है कि बच्चे को कल्याण करना है तो माँ ये डरेगी कि बच्चे को हैजा हो गया, उसको गोद में नहीं लेना, डरेगी नहीं? अरे बाप को तो करना ही करना है, पहले बच्चे का कल्याण होगा तब। एक मुझे पॉइंट है, मध्यान्तर सेवा में लगे रहते हैं बच्चों को, मैं बच्चों को भी मैं उपदेश कर जाता हूँ बाप के पास, क्योंकि उसी प्रकार जो राम वाली रही है अपने आत्मा को कैसे पहचान, तीनों ही बिंदी के रूप में समय होने ही है। तो क्योंकि बाबा ने कहा है आगे को पहले आपने चले उसके लगा हो, अपने शरीर से लगाव नहीं होता है, पहले अपनी आत्मा से ही लगाव होता है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तीनों आत्मा संस्कार तो अलग अलग हैं। नारायण बनने वाली आत्मा को ये पता नहीं है मैं कौन सा पद पाने वाला हूँ, ऐसे बोला जा सकता है? नारायण वाली आत्मा उसको ये पता नहीं होगा कि मैं कौन सा पद पाने वाली हूँ। अगर खुद को ही पता नहीं होगा तो दूसरों को कैसे पता लगेगा, और दूसरों को पता नहीं लगेगा तो साकार में निराकार याद कैसे करेंगे? मैं ही नारायण बनूंगा? साक्षात्कार के आधार से लक्ष्मी को पता चलेगा, सीता को पता चलेगा, द्रौपदी को पता चलेगा, पार्वती को पता चलेगा, या राम को साक्षात्कार के आधार पर पता चलेगा? राम वाली आत्मा ज्ञानी तो आत्मा है या भक्त आत्मा है? साक्षात्कार किसको होंगे? भक्तों को साक्षात्कार होंगे। और ज्ञानी आत्मा वो तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धि के आधार पर पहचानेंगे। और मंगल ग्रह जो है, मंगल जो है वो कौन से देवता का सूचक है? मंगल के दिन कौन से देवता की पूजा होती है? हनुमान की, पुत्री वाले की। तो पृथ्वी के नजदीक हनुमान जी आएंगे या कोई दूसरा आएगा? फिर सीता जी जब रावण की जेल में चली गई
तो सबसे पहले उनके नजदीक कौन पहुंचा? मंगली पहुंचा? क्या बड़ी बात हो गई? बाबा तीन भाइयों ने आपको प्रोटेक्ट किया, जो आदमी नियम क्या है, जो आदि तो अंत, बीच में भले कुछ भी करते रहे लेकिन उन्होंने टाइम पर बीज बोया। जैसे फसल बोई जाती है तो आगे आगे जो बीज बो देते हैं मौसम पर, उनको ज्यादा अनाज मिल जाता है, ज्यादा फल मिल जाता है। उसी तरीके से दिल्ली वालों ने शुरुआत में जिन्होंने बीज बोया उनके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है, अंत तक बाप दादा बांधे हुए हैं उनको सहयोग देने के लिए। अगर वो सहयोग लेना चाहे तो कितना भी बीच में विरोध करे। अरे शुरुआत में सहयोग किसने दिया? जो पहले सहयोग दे उसका ज्यादा वजन है कि जब सैकड़ों निकल पड़े तब सहयोग दिया उनका ज्यादा वजन है? भारत जब नीचे पड़ा हुआ है सीढ़ी में कांटों की सैया पर, कोई उसको भीख देने वाला नहीं है और उन विदेशियों ने आकर उसको भीख दे दी, तो एहसान मानना नहीं चाहिए। वो लोग विदेशी प्रत्यक्ष करेंगे क्या? अष्टदेव करेंगे। विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे का मतलब ये हुआ कि जो ठेठ विदेशी है बीज रूप आत्माओं में वो प्रत्यक्ष करते हैं, कोई और प्रत्यक्ष नहीं करते हैं। ये अष्टदेव तो सूर्यवंशी हैं, भारतवासी हैं। हाँ तो देवता है उनके लिए थोड़े ही आ गया। अच्छा ही मिलेगा, जैसी जैसी स्टेज की बाप की याद होगी वैसा ही जन्म मिलेगा। माँ में कम याद होगी तो अच्छा ही जन्म मिलेगा ना। बिचारी याद होगी, कोई और की थोड़ी थोड़ी याद आ गई तो फिर नीची स्टेज हो जाएगी और अंत समय में तो वो ही याद आता है जो सारे जीवन में याद किया जाता है। पुरुषार्थ का सारा जीवन टोटल मिला के जो याद किया है वो ही अंत समय में वो याद आ जाएगा। जो बाप को याद करके शरीर छोड़ेगा उसने जरूर अपने पुरुषार्थ जीवन में लंबे समय तक याद किया होगा, तभी बाप की याद आवेगी, नहीं तो नहीं आवेगी। हाँ जन्म मिलता है, नारायण वाली आत्मा सत्युग में जन्म देगी राधा कृष्ण को, वो कैसे आएगी? वो कोई देहधारी को याद करके आ जाएगी क्या? फिर याद में भी मिक्सचर की होती है, परसेंटेज में होती है।
और बाबा की 12 श्लोक है तो बता दिया ना। और धर्मों के जो बीज हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करते हैं लेकिन वो विनाशकारी ग्रुप में चले गए, क्या स्थापना के ग्रुप में नहीं आए, पालना के ग्रुप में भी नहीं आए, इसलिए उनको त्रेता के अंत की 3 गद्दियों की प्राप्ति हो जाती है। विनाश में भी सहयोगी तो बने, बिना विनाश के तो स्थापना भी प्रत्यक्ष नहीं होगी, इसलिए उनको भी उजूरा मिलता है। पाप में पाप बढ़ाने में बाबा रहम करने के लिए आया, फिर वो पाप बढ़ाने के लिए कौनसा चैतन्य आत्मा उनको बाबा ने बनाया गया। पाप बढ़ाने के लिए चैतन्य आत्माओं को बाबा ने नहीं बढ़ाया, चैतन्य और दूसरी आत्माएं तो पाप बढ़ा ही नहीं सकती क्योंकि वो उतनी शक्तिशाली नहीं है। बच्चे बच्चे ही होते हैं और बाप बाप ही होता है, तो बाप में इतनी ताकत है कि इतनी तीव्र गति से पापों की दुनिया को वाइब्रेशन में इतना तीव्र गति से ले जाए कि ज्यादा लंबे समय तक रखड़ते न रहे, जल्दी से वो दुनिया खलास हो जाए। इसलिए बोला पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए। बाबा ने पंचत को ऐसा कहा गया कोई एक के साथ ही हो, एक एकड़ में ज्यादा गहरे से पहुंचने से पंचत ज्यादा बन जाएगा, ज्यादा विकार एक से ही जुड़ेंगे तो ज्यादा पंचत बन जाएगा, विभिचारी ज्यादा विकारी माना जाता है या विभिचारी ज्यादा विकारी माना जाता है? विभिचारी जो है वो कुत्ते का मसाल कहा जाता है उसका। फिर बाबा ने तो बच्चों को पावन बनाने के लिए आया था। तो विभिचारी होते हैं वो ज्यादा पतित बनते हैं ना। भारत के राजाए ज्यादा पतित बने हैं या विदेशों के राजाए ज्यादा पतित बने? ज्यादा व्यभिचारी बने हैं उन्हीं को वही ज्यादा पतित बने, उन पतितों को पावन पहले बनाता है। और जब तक माया सरेंडर न हो तब तक बच्चे सरेंडर नहीं होते। फिर बाबा ने तो लास्ट में फाइनल परीक्षा इस तरह करने हैं नष्टो मोह स्मृतिगत, फिर वो मोह मोहनी माया कौन है जैसे तुम्हें वो कब सरेंडर होती? माया में भी कोई मायावी पार्ट बजाने में भी कोई बीज रूप आत्मा होगी या नहीं होगी? तो बीज रूप आत्मा होगी, वो पहले सरेंडर होगी क्योंकि जब एडवांस ज्ञान शुरू हुआ तो उस समय भी तो शूटिंग की होगी उसने पहले सरेंडर होने की है? पहले जो पहले सरेंडर होता है वो अंत में भी पहले तन से सरेंडर हुआ, मन से सरेंडर नहीं हुआ और अंत में मन बुद्धि से सरेंडर होगा। बाबा रचयिता भक्त के 4 प्रकार की रचना रची गई है, जंगा रचना और पावरफुल रचना और जेट रचना और सूर्यवंशी का माँ का रचना, उसमें से ज्यादा मददगार कौन सा रचना को कहा जाता है? मददगार मददगार तो ज्यादा पावरफुल होंगे वही ज्यादा मददगार बनेंगे। फिर कहा बाबा वे पावरफुल जगदम्बा तो अभी तो मदद उतना रहने रहे हैं, वो बिना से मददगार नहीं बनती है। शंकर का मुख्य काम कौन सा है? शंकर का काम ही है मुख्य, तो उस कार्य में जो सबसे जास्ती मददगार बने तो उनका काम सहज हो गया ना। विनाश होता है इम्प्योरिटी से, पवित्रता से होती है स्थापना और पालना, और इम्प्योरिटी से होता है विनाश, तो दोष भी नहीं लगा और काम भी पूरा हो गया, तो शुक्रिया करना चाहिए ना। और
माना वो चंद्रवंशी की मुखिया नहीं है, पटरानी है, तो जो पटरानियां बनती हैं वो दूसरे धर्म से कनेक्टेड है। जो दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है उनमें से 12-12 ग्रुप नहीं बनेंगे। माना जो चंद्रवंशी मुखिया है, मुख्य मन का है, वो माला में नहीं आएगा है। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आ जाएंगे और वो नहीं आएगा। किसी का ऊपर आस्था ना हो, उसका ऊपर क्या है, उसका ऊपर कैसे रहता है, उसका आस्था रहता है या नहीं रहता है? खुद के ऊपर आस्था, ये कोई आस्था होती है? खुद को शिव हम, ये कोई आस्था हुई क्या? कोई खुद को भगवान समझ करके बैठ जाए तो हिरण्यकश्यप हुआ, अनास्था वाला हुआ या आस्था वाला हुआ? अच्छा हिरण्यकश्यप हो गया, ऐसा बन जाएगा क्या बाबा? है ऐसा बन जाएगा क्या? राम ही रावण होता है ये नहीं बोला है? बोला है। वो का पार्ट तुम बजाओगे? हाँ ऑटोमेटिक पहले से पता लग जाता है कि हम शरीर छोड़ना है, सागर के किनारे चले जाते हैं। शरीर छोड़ा और सागर की लहर आई, उठा ले गई।